हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडे का फेस पैक। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अंडा हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसी तरह अंडे में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आपने देखा होगा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी अंडे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखें तो शैम्पू, कंडीशनर, एंटी एजिंग जो क्रीम्स आती हैं इतनी सारे ब्रांड की, इन सब में अंडे का प्रयोग होता है। क्योंकि अंडा हमारी स्किन के लिए जो ढलती उम्र के जो लक्षण होते हैं उसमें रोक करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उसी का फेस पैक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा त्वचा को कसाव भी देगा और साथ ही साथ एक मतलब जवा और खिली खिली त्वचा देगा हमें। तो फिर आगे विस्तार से जानते हैं कि अंडे का फेस पैक किस तरह से बनाना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे चेहरे पर, और कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। विस्तार से जानते हैं अंडे के फेस पैक के बारे में, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अंडा का फेस पैक बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक अंडा, और उसमें मैं जो वाइट पार्ट होता है अंडे का वो मैं ले लूँगी और येलो पार्ट को मैं सेपरेट कर दूँगी। पर येलो पार्ट को भी आप उसे फेंकिएगा नहीं, उसे आप चाहो तो अपने बालों में लगा सकते हो। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल भी मिक्स करके आप अपने बालों में लगा सकते हो। तो ये देख लीजिए, मैंने सेपरेट कर दिया है और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी छोटा चम्मच हनी। अगर आपके पास असली हनी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाज़ार में जो मिलती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें एक छोटा चम्मच लेमन जूस, और अब मैं तीनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से फेंट लिए ताकि वो जो एग है ना वो अच्छे से फेंटिएगा तो वो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए मिक्स हो चुका है, तो अब मैं अपने फेस में अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। तो अब मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और मैं ऐसे ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। तो आप ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो आप हल्के हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसकी सिर्फ एक ही कोट अप्लाई करिएगा, दूसरी तीसरी कोट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करिएगा। और ये जो फेस पैक है, आपकी झाइयाँ, झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइन्स हैं, पिगमेंटेशन है, और स्किन जो सैगीनेस आ जाती है उसको टाइट करता है, स्किन को ब्राइट करता है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन टोन ब्राइट कर देता है, ग्लोइंग स्किन बनाता है। तो एक तो वैसे भी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और दूसरी बात ये फेस पैक आपको 15 से 20 मिनट तक लगाना है और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सब जगह लग चुका है, ये देखिए मैंने सब जगह नेक एक में सब जगह लगा लिया है इसे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए और ये पूरी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। आपको दिख रहा हो कितनी टाइट हो गई है मेरी स्किन। और अब मैं अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से। और फेस वॉश करने के बाद आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई किया करिए, नहीं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। तो नमी बरकरार रखने के लिए आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिएगा। यह है बायोटिक एडवांस कोकोनट क्रीम है, जिसे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मुझे सूट भी करती है, तो मैं इसे अपने फेस और नेक में अप्लाई कर ले रही हूँ। इस फेस पैक को आप सप्ताह में एक बार लगा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह में रहते हो तो एक ही बार लगाइएगा, और आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती तो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार लगा सकते हो, पर इससे ज़्यादा आप मत लगाइएगा। किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करने से वो नुकसान ही देती है। अंडे का फेस पैक लगाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिसे भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ये है कि ये फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्लीन करने के बाद ही इस फेस पैक को लगाइएगा। दूसरा, इस फेस पैक को लगाने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के हाथों से इसे लगाइए या फिर ब्रश से भी आप इसे लगा सकते हैं। तीसरा, अंडे का फेस पैक का एक ही कोट अपने चेहरे पर लगाइएगा। कई लोग ये गलती करते हैं कि अंडे के फेस पैक का दूसरा या तीसरा कोट लगा लेते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। और चेहरे को जब आप धोते हो, अपने फेस पैक को क्लीन करते हो, तो चेहरे को टॉवल से, एक तो सॉफ्ट टॉवल यूज़ करिएगा, उसको अपने फेस में रगड़ते हुए अपने चेहरे को मत पहुँचिएगा, डैब डैब करके पहुँचिएगा। अगर आप रगड़ के पहुँचोगे तो आपकी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है।
और पांचवा है कि अपने फेस को धोने के बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने फेस में, इससे हमारी त्वचा की नमी बरकरार बनी रहती है। और छठवां और सबसे ज़रूरी टिप ये है कि इस फेस पैक को लगाने से पहले एक बार आप ज़रूर पैच टेस्ट कर लीजिएगा, हो सकता है कि इस फेस पैक में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपको आपकी त्वचा में एलर्जी क्रिएट करें, तो इसलिए आप एक बार पैच टेस्ट करने के बाद ही अपने फेस में इसे अप्लाई करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसे मत अप्लाई करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप फेस पैक लगाने के कुछ देर बाद अगर जलन सी महसूस होती है तो अपने फेस को तुरंत वॉश कर लीजिएगा। तो ये थे अंडे के फेस पैक लगाने से पहले कुछ ज़रूरी टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ जो कुछ सवालों के आंसर दूंगी मैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। तो पहला सवाल ये है कि अंडे के सफ़ेद भाग को हम अपने चेहरे पर डेली लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते डेली, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम रेगुलर लगाते हैं तो वो हमारे फेस में नुकसान दे सकता है, नुकसान का कारण बन सकता है। और अंडे के सफ़ेद भाग को सप्ताह में सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं, आप उसे डेली मत लगाइए, सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन आप उसे लगा सकते हो। क्या अंडे की जर्दी त्वचा के रंग को हल्का करने में मदद करती है? तो मैं कहूँगी हाँ, क्योंकि अंडे की जर्दी जो है त्वचा के रंग को हल्का करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। दरअसल इसमें होता है N16 नामक एक पदार्थ होता है जो त्वचा के रंग को हल्का करने में बहुत ज़्यादा सुधार करता है। अंडे का पीला भाग या सफ़ेद भाग, इन दोनों में से कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है? तो देखिए, त्वचा के लिए अंडे के दोनों भागों के अलग अपने अपने फायदे हैं। अगर बात करें कि अंडे का सफ़ेद भाग का, तो अंडे के सफ़ेद भाग जो होता है वो मुहासों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, और साथ ही साथ त्वचा को मुक्त किरणों से होने वाले नुकसानों से भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। और वहीं बात करें अंडे के पीले भाग की, तो अंडे का पीला भाग जो होता है वो बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करता है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारे फेस पैक, DIY, घरेलू नुस्खे और फेशियल्स वगैरह मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, और साड़ी, बेडशीट, कर्टेन, इन सब के रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Love you.